अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आशूरा के दिन कौन सी नमाज पढ़नी चाहिए, नियत किस तरीके से करना चाहिए और इन नमाज के पढ़ने का हमें सवाब क्या मिलता है, आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला पूरी डिटेल आपके सामने बयान की जाएगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, तरीक़ा समझ करके उसी तरीके से नमाज़ पढ़ें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बेपनाह फ़ायदे और बरकतें आपको हासिल होगी। आशूरा की जो रात है, ये नौवें मुहर्रम का दिन गुजार करके जो रात आती है उसे आशूरा का रात कहा जाता है, यानी कि दसवीं मुहर्रम का रात, दसवीं तारीख लगने से पहले जो रात आती है उसे आशूरा की रात कहते हैं। बुजुर्गाने दीन ने फरमाया है कि आशूरा की रात में चार रकात नफिल नमाज पढ़ी जाए और उसका तरीक़ा ये बताया गया कि हर रकात में सूरह फातिहा के बाद एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ा जाए। आयतल कुर्सी क्या है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना याद हो और स्क्रीन पर भी देने की कोशिश करूँगा। आपको नहीं याद है तो सुन करके और स्क्रीन पर देख करके याद करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति वमा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यश्फ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अय्दीहिम वमा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ। ये आयतल कुर्सी है, हर रकात में सूरह फातिहा के बाद एक मरतबा आयतल कुर्सी है और उसके बाद तीन मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद, जिसको आप कहते हैं वो सूरह इखलास उसका नाम है। वो सूरत भी पढ़ के आपको बता रहा हूँ, एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना है और तीन मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तीन मरतबा जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद रुकू करें, सजदा करें, सजदा से दूसरी रकात के लिए आप खड़े हो जाएं और फिर उसके बाद जो है आप उसमें सूरह फातिहा पढ़ें। सूरह फातिहा के बाद एक बार आयतल कुर्सी पढ़ें, तीन बार सूरह इखलास पढ़ें और उसके बाद फिर रुकू करें, सजदा करें, सजदा करने के बाद कादे उला करें, उसमें अत्तहियात पढ़ें, अत्तहियात पढ़ने के बाद फिर आप खड़े हो जाएं, फिर उसके बाद जो है आप उसी तरीके से जैसे दूसरी रकात और पहली रकात मुकम्मल की है वैसे ही आपको दो रकातें और मुकम्मल करनी है। जब ये चार रकातें आपकी मुकम्मल हो जाएं तो उसी जगह पर बैठ जाएं और सौ मरतबा सूरह इखलास फिर से पढ़ें। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि इस नमाज को पढ़ने की बरकत और इस नमाज को पढ़ने की फजीलत यह होगी कि अल्लाह तबारक व ताला उसे गुनाहों से पाक फरमा देगा और बहिश्त में यानी कि जन्नत में उसे बेशुमार नेकियां और बेशुमार नेमतें अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाएगा। तो इसके फ़ायदे हैं, आपको चाहिए कि आप ख़ुद भी पढ़ें, अपने घर वालों को भी बताएं ताकि वो भी इसी तरीके से नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। एक बार फिर से तरीक़ा समाप्त कर लीजिए। आपको नियत बांधना है, नियत के मैंने चार रकात नमाज नफिल वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अपने दोनों हाथों को कानों तक ले जाएं, बहने हैं तो अपने तरीके को इस्तेमाल करें, यानी कानों तक हाथ ले जाएं और ला करके हाथ को बांध लें और उसके बाद फिर सना पढ़ें। सना पढ़ने के बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरह फातिहा की तलावत करें, एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें, तीन मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, रुकू सजदा करें, दूसरी रकात में भी ऐसे ही, तीसरी रकात में भी ऐसे ही, चौथी रकात में भी इसी तरीके से आपको पढ़ना है और जब आपकी ये चार रकात मुकम्मल हो जाए तो सौ मरतबा जो है आपको सूरह इखलास पढ़ना है। अब उसके बाद जो आप अपने लिए, अपने मरहूमीन के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए दुआ करना चाहें वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह इस नमाज की बरकत से आपकी दुआएं भी कबूल व मकबूल होंगी। आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।